और एक और बड़ी खबर मिल रही है कोरोना के वैक्सीन से जुड़ी हुई। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएगी और इस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। भले ही आपने पहले दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर नेजल के जरिए दिया जा सकेगा। ये वैक्सीन फिलहाल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। नेजल वैक्सीन यानी कि नाक के थ्रू दी जाने वाली वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर अब ये नेजल वैक्सीन लगाई जाएगी। फिलहाल जो निजी हॉस्पिटल हैं वहां पर नेजल वैक्सीन लगेगी, यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं भारत बायोटेक। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, तो आप में से जिसने भी अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। इन तस्वीरों ने आज खुद ही ऐलान कर दिया कि कोरोना के विरुद्ध युद्ध का समय शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और दोनों सदनों में कई सांसद मास्क पहने दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा कि अब सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का वक्त आ गया है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। इसी बीच भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि हो गई है। देश में अब तक 3 केस मिले हैं, इनमें से 2 मामले गुजरात के हैं जबकि 1 केस ओडिशा का है। राहत की बात यह है कि इन तीनों मरीजों की तबीयत ठीक है। इसी बीच IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोना वायरस के खिलाफ एडवाइजरी जारी की। IMA ने कहा है कि लोग मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ से बचें, विदेश यात्रा करने से बचें, सर्दी जुकाम हो तो डॉक्टर से मिलें, बूस्टर डोज लें और समय समय पर जारी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में कोरोना की लहर आने की कोई आशंका नहीं है। बहुत ही हाई लेवल की नेचुरल इम्यूनिटी कई महीनों से आ चुकी है। 98% से अधिक लोगों में इम्यूनिटी है इस समय मेरे आकलन के अनुसार। और ये जो चीन में वेरिएंट घूम रहा है BF7, ये पहली बार भारत में जुलाई में पाया गया था, तो इतने महीने में कोई विशेष का असर नहीं दिख रहा है भारत में, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी में कमी ना रखें, और ये सही भी है क्योंकि हर हाल में उपचार से अच्छा बचाव तो होता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है आपको, कोविड ब्रेकिंग बता दें, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम मीटिंग करने वाले हैं और इस बैठक में कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपसे थोड़ी देर में यह अहम मीटिंग शुरू हो जाएगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं कोरोना से जुड़ी। कोरोना पर भारतीय सेना की एडवाइजरी, देश में कोरोना के हालात को देखते हुए भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सैनिकों को मास्क पहनने का निर्देश दिया गया है, साथ में कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश भी दिया गया है। सैनिकों से कहा गया है कि अगर उन्हें वायरस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
और इस बीच एक और बड़ी खबर कोरोना अलर्ट पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा। सूत्र ये बता रहे हैं मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी और पैसेंजर्स के सैंपल लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल मास्क जरूरी नहीं होगा। सूत्र बता रहे हैं मास्क पहनने की सलाह दी जाएगी, जब पहनना है। पैसेंजर्स को लेकर भी अपडेट आपको बताएं कि पैसेंजर्स के सैंपल लेकर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स और बेड्स की उपलब्धता चेक करने के लिए मंगलवार को देश के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक साथ मॉक ड्रिल होगा मंगलवार को देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में कि अगर हालात बिगड़ते हैं, कोविड की स्थितियां बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो, इसको लेकर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स किस प्रकार से हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, इसको लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। बेड्स की उपलब्धता चेक करने के लिए मंगलवार को देश के हॉस्पिटल्स में एक साथ मॉक ड्रिल होगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।